मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के सिंगिया पूर्वी पंचायत में हूँ। सिंगिया पूर्वी पंचायत के जो अभी पंचायती राज इलेक्शन बिहार में हुआ है उसमें सिंगिया पूर्वी पंचायत के मुखिया जनाब दिलीप कुमार साफी साहब दोबारा चुन करके आए हैं। इससे पहले जो अभी 5 साल का टर्म या रिजीम गुजरा है उसमें भी यही मुखिया थे, और फिर दोबारा जो इलेक्शन हुआ जो 12 तारीख को इलेक्शन था और 14 तारीख को उसका रिजल्ट की घोषणा की गई है, इसमें उनको दोबारा जनता ने अपने मत और सहमति दे करके दोबारा चुना है और एक अच्छे खासे वोट से जीते हैं। बिहार पंचायती राज चुनाव जो पिछले 2 से 2.5 महीने से चल रहा था उसमें जो रिजल्ट आ रहे थे वो 80 से 90% रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं नए चेहरे को लोगों ने विश्वास जताया नए चेहरों पर, लेकिन 10% चेहरे ऐसे थे या 100 में से 10 मुखिया ऐसे रहे होंगे जो पुराने थे और दोबारा चुन करके आए। बिस्फी प्रखंड में 28 पंचायत है और 28 पंचायत में 4 से 5 पुराने मुखिया को लोगों ने सहमति जताया पुराने मुखिया पर, उनमें से एक चेहरा जो है वो दिलीप कुमार साथी का सिंगापुरी पंचायत में, और ये एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 700 से 800 वोटों से जीत दर्ज कराई है। हम उनका अपने चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। आखिर क्या वजह रही कि आपको जनता ने दोबारा विश्वास जताया, इस बारे में कहिए। देखिए, हमने जनता को जहाँ तक 5 साल के दरमियान हमने उनको सम्मान किए और पंचायत में जो भी काम था उनको पूरा किए, और इसी का वजह है कि जनता ने पुनः जो हमको भारी मतों से विजय दिलाए हैं, और जो भी छोटे काम हैं उन्हें हम पुनः कोशिश करेंगे कि हमसे जहां तक हो सके उसे पूरा करूं, और ये जीत हमारी जनता और मतदाताओं की जीत है, हमारे पंचायत के जो भी जनता है उनकी जीत है, और उन्होंने हमें बहुत सम्मान के साथ और अपना अति विश्वास के साथ जो है हमको भारी मतों से विजय दिलाए हैं। हम उन सभी जनता को अपने पंचायत की जितने भी जनता है उसे हम अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पंचायत में 2 समस्या बड़ी है, एक समस्या शिक्षा की है, दूसरी स्वास्थ्य की है, बल्कि ये सिर्फ पंचायत की समस्या नहीं बल्कि पूरे बिहार की समस्या है। इस बार जो 7 निश्चय योजना 2 है उसमें स्वास्थ्य पर खास काम करने के लिए जो है मुख्यमंत्री का जो है प्लान है, तो इस सिलसिले में आपको क्या लगता है आप किस तरह से अपना काज करेंगे स्वास्थ्य सिलसिले में? सबसे पहले देखिए, स्वास्थ्य का तो यहाँ पर नजदीक में एक ही ब्लॉक है प्रखंड और वहाँ स्वास्थ्य है, उसके बाद तो अपने सबको जो दूरी है दरभंगा, और दरभंगा यहाँ से करीब 20 किलोमीटर हो जाता है, तो दरभंगा है। यहाँ पर अपना पंचायत में तो कोई CSP है नहीं, हम प्रयास करेंगे कि यहाँ होना चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि जो सैलाब आता है, तो सैलाब जो है वो आता है लेकिन सैलाब में जो क्षति फसल क्षति होती है या लोगों का नुकसान होता है, तो मान लीजिए कि BDO और CO जो है वो निरीक्षण नहीं करते थे इसका और सैलाब घोषित नहीं करते, तो इस बार आप इसके लिए कार्यबद्ध रहेंगे? देखिए, बाढ़ की जहाँ तक समस्या है तो बिस्फी का जो कम से कम 8-10 पंचायत ऐसा है वो तो हर एक साल प्रभावित रहता है, लेकिन यहाँ जो है इस बार तो बहुत कोशिश किया गया था, जो भी जिला का बच्ची है सबको पदाधिकारी सब आया देखा निरीक्षण किया, और ऊपर से पता नहीं सरकार का क्या आदेश हुआ, हम लोग तो कोशिश किए लेकिन इसको जो है वंचित कर दिया गया, यहाँ कुछ नहीं। फसल क्षति के बारे में अभी जो सरकार निर्णय दिया है उसका ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, अभी आज से जो है पता चला कि फोटो वगैरह हो रहा है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है कि पंचायत में जितने प्राइमरी और मिडिल स्कूल है और खासकर जो हाई स्कूल और जितने भी स्कूल है उसका सही से जो है वो घेराबंदी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत और समस्या रहती है स्टूडेंट्स को और छात्रों को, तो क्या इस सिलसिले में आप जो है कुछ कार्य करेंगे? इस पर हमारे चर्च रखेंगे, और छठ दिवाली सब कहीं कहीं तो कोई कोई स्कूल में हुआ है, बाकी जो अभी हाई स्कूल अपने यहाँ बना है वो तो अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है, वो तो अभी मिडिल स्कूल में चल रहा है, और देखिए कैसे क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। बात रखेंगे आप मतलब? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो पंचायत में जो काज बचा हुआ है वो कितने % काज बचा होगा, जो गली नाली वाली बात अगर कही जाए तो? देखिए, हर एक वार्ड है उसमें एक एक जो काम जो भी हुआ है वो हर एक वार्ड में हुआ है, 18 वार्ड है उसमें से कोई वार्ड नहीं है जहाँ तक जिस वार्ड में हमने काम नहीं किए, एक हो या दो हो उस तरह से काम हुआ है, और ऐसा वार्ड है और ऐसा गली भी है जहाँ छूटा है, और सबसे बड़ा समस्या पंचायत में नाली का है, जो हम इस बार हमारा जो अगर सरकार का जो दिशा निर्देश आएंगे हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पंचायत में नाला बनाने का, ताकि जल समस्या जो जल समस्या का निदान हो। अच्छा, जनता ने जो आपको इतने वोटों से जिताया तो उसके लिए आप जनता से क्या कहें? हम जनता को तो अपने जो तन से अपने अथी से जो है पूरा धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें जो है
पुनः जो है विश्वास के साथ भारी मतों से विजय बनाए हैं। अच्छा, आज आपका शपथ ग्रहण था, शपथ ग्रहण में साथ साथ जो आज उप मुखिया का चुनाव था, तो जो उप मुखिया चुने उस सिलसिले में आप क्या कहें? देखिए, उप मुखिया और तीन कैंडिडेट थे पंचायत के अंदर में, तीनों में से वहाँ वोटिंग हुआ है और जिसको जिस तरह से मेहनत था उसने अपना कामयाबी हासिल किया और जो जीते हैं उसे हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बधाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन अभी हमारे साथ